पार्टी जीत गया, जयंत साहब जीत गया, जीत गया, जयंत साथ है, जयंत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत कादरी जिंदाबाद, जयंत कादरी जिंदाबाद। मैं बीडीसी चेयरमैन इमाम साहब हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीडीसी शोपियां से हूँ। आज हम यहाँ पे अपने डीडीसी के फॉर्म भरने आए हैं, जो हमारे सीटियों लीड, इनके दो हमें यहाँ पर कैलर में दो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक बशीर अहमद कालस, उनका हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, और जावेद अहमद कादरी का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ये एक इंस्टीट्यूट लिया है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आम आदमी जो आम नागरिक जो है उनका काम हो जाए, एक आम नागरिक को सुविधा मिल जाए कि आगे डेवलपमेंट हो। इसकी जो ये काम है, जो इस पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है आम नागरिक के लिए, इसमें हमने जो जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब आपको एहसास लग रहा है ना, उस हिसाब से लिए कोई डरने की जरूरत नहीं। आम आदमी के लिए हम सेवा करना चाहते हैं। जो हमारे इस वक्त जो वर्कर्स इस वक्त मार्केट आ रहे हैं, चाहे पार्टी के हैं, कोई भी सोशल वर्क आ रहा है, वो खाली चाहते हैं समाज की सेवा करो। जो ये आज गवर्नमेंट ने फैसला लिया है डीडीसी इलेक्शन और जो जो जितने पंच सरपंच खाली सीटें हैं वो वर्क करने के लिए, तो हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के जिन्होंने ये अच्छा कदम तुला है। इससे डेवलपमेंट हो जाएंगे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, ब्लॉक कैनल पहले फेज सेकंड और फर्स्ट में बशीर अहमद कालस हमारी तरफ बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट चुना गया, तो सेकंड में जावेद अहमद कादरी यहाँ पे कैंडिडेट, हमने आज इसका फॉर्म जमा कर दिया। तो गवर्नमेंट की हम शुक्रगुजार हैं, इससे लोगों के लिए डेवलपमेंट हो जाएंगे। जब मेम्बर बन जाएंगे, काउंसिल बन जाएंगे, पंचायत बन जाएंगे पूरा, तो डेवलपमेंट हो जाएगी। वो तो है ही, इसमें तो आप तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में हालात है, थ्रेट तो है, मगर हमारी जो बीजेपी वर्कर है, बीजेपी लीडर है, वो काम करते रहेंगे, वो डरते नहीं। अच्छा, है ही, गवर्नमेंट को बिल्कुल इस वक्त इकदाम उठाना पड़ेगा इन वर्करों को, जितने ये सरपंच है, बीडीसी मेंबर जो बने हैं, जो बनेंगे ये काउंसलर, इनके लिए हिफाजत पूरा सुरक्षा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।